नमस्कार, हम वाणी जीत कुमार और सब चालू कर दिलवानी निश्चित भोजपुरी देखे। हाँ दरअसल आज हम बात कर एगो भोजपुरी सिनेमा जो ना फिल्म का नाम, हाँ फिल्म के नाम भैया बड़की दीदी। हाँ फिल्म बड़की दीदी, फिल्म के मुहूर्त कही बोला, मुहूर्त के साथ ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट भैया, तो फिल्म से जुड़ल बहुत सारा अपडेट लेके आए बानी। रवा लोगों को बताएं कि फिल्म का बा कैसन बा रखे बटे, पूरा अपडेट लेके आयल बानी एक वीडियो में। चलिए सबको देख खाती जाने खाती हो काम करें, चैनल बनाया बानी, सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और सब कुछ बढ़ दीजिए हमारा, सब कुछ बढ़िया। चलिए उनके वीडियो को चालू कर दिया, जो फिल्म का नाम बा बड़की दीदी। हाँ बड़की दीदी, तो सच में बता दें कि फिल्म एगो बीफोरियो के बनावल जात कंटेंट बड़े और बीफोरियो के बनर तले बनावल जात ये फिल्म भी बिया। तो चल देखिए बीफोरियो के फिल्म के साथ एगो सबसे बड़का प्रोपेगेंडा ये होला कि ये फिल्म एगो एल्बमिया पैटर्न के बीच से जो ना हिसाब से दर्शक लोग फिल्म के देखल सेम वही पैटर्न से जूझत ये फिल्म के भी बनावल जाता। अब सेम वही पैटर्न से जूझत ये फिल्म के बनावल जात बटे, तो कितना कितना कमाल के हुई, कितना इनक्रेडिबल हुई, ये तो भैया लोग नौका कह जला, ये तो समय और वक्त ही बता सकला, पहले कैसे मालूम चल जाए भैया, पहले कैसे मालूम चल जाए। तो बाकी बाकी फिल्म के जौना हिसाब से फिल्म का देख रहा बानी, फोटो वाइल बटे जौना में अंजना सिंह बाड़ी और उनका मतलब एक तरफ बाड़ी रेशमा शेख और बाद से एक तरफ बाड़ी नीलू शंकर से, तो सच में ये मतलब दोनों जानी लो कितना कमाल के अंजना सिंह संगे मतलब कंपनेशन बने बने जा उनकर छोट बहन बन के, ये सब कुछ देखकर इनक्रेडिबल होके वाला भैया, अमेजिंग होके वाला। देखिए भोजपुरी सिनेमा ना एक तरह के फिल्म के बहुत ही चाव से देखला, भोजपुरी के वो मतलब लंबा पैटर्न ना लंबा दर्शक लोग बाटे कि एक तरह फिल्म के बहुत ही प्यारा से गले लगावल जा, एक तरह के फिल्म के बहुत ही प्यारा तरीका से गले लगावल जा और शायद एक तरह के फिल्म के बहुत ही ज़्यादा तवज्जुद भी दिलन जा। तो शायद मतलब ये पूरी के जो ना हिसाब से प्रयास बा प्रयासरत बढ़ वो अपना प्रयास में मतलब एक काम मतलब कायम बढ़ और उनके पता भाई कि हम के कितना के फिल्म को के और कितना तक अपना बिजनेस कर ले बटे, बाकी इंडस्ट्री जाओ भाड़ में बाकी जब कहे खो के इंडस्ट्री परिवार हो तो पहले आगे आ जी, इंडस्ट्री के हेल्प करता आगे बढ़ावे तो पहले आ जी। कहे कि देखिए जब भी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर केहू कहो कि यार कल्चर वाली फिल्म नहीं खिया हो तो वह लोग ना 80 के दशक में चल जा और 80 के दशक में जाके फिल्म के सोचे लगल जा, देखे लगल जा और सेम वही पैटर्न पर फिल्म बनावे लगल जा बस और ही कुछ भी ना। कहे कि अभी भी थोड़ा सा अगर भोजपुरी दर्शक लोग को देखल जाओ तो उस सोच से बाहर नहीं निकल पेल जा और यही लिए भोजपुरी के मेकर्स लोग जाके 80 के दशक की फिल्म उठा के और सेम थोड़ा सा इन्हें उन्हें करके वही तरह के फिल्म बनावल पसंद भी करलन जा और कर रहल बाड़न जा। तो बाकी बड़की दीदी ये फिल्म बाटे कुछ वही से प्रेरित बटे, अब देख बाटे कि बड़की दीदी फिल्म में ऐसा कहाँ निकल के आई जो ना के देखेला दर्शक व्याकुल हो जी, ये तो वक्त और समय ही बता सकला, पहले का ही बतावल जा। तो फाइनली फिल्म के निर्माता बनी संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी। संदीप सिंह नीलाभ तिवारी अपने फिल्म के भैया निर्माता जरूर रहे लालो, ये फिल्म के भी प्रोड्यूस हुए लोग कर रहा बड़न, तो फिर ये नयापन का हो सकेला। बाकी फिल्म का अगर देखिए डायरेक्ट कर संजीव भरपी, अब संजीव भरपी के डायरेक्शन में ही बनल फिल्म कितना कमाल कितना यूनिक करी और आवत आवत अंत में कितना इमोशनली कर दी और फिर दर्शक लोग एक बार अपन आँख से आंसू बहावेला मजबूर हो जाए जा, ये तो वक्त और समय बताई पहले का ही बतावल जा भैया, का ही बतावल जा। बाकी फिल्म में देखी तो अंजना सिंह, रेशमा शेख, नीलू शंकर सिंह, विनोद मिश्रा, प्रेम दुबे, रिंकू भारती जैसन स्टार कास्ट लोग इस फिल्म में भरल पड़ल बालो। तो फाइनली ये फैमिली ड्रामा वाली फिल्म है, फैमिली ड्रामा के इर्द गिर्द होखे वाला पूरा सिचुएशन के इस फिल्म में पिरोवे के कोशिश कर ली। अंजना सिंह के बात करें तो अंजना सिंह वो भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के आर्टिस्ट है, अभी कुछ दिन पहले वो आत्महत्या करे के भी अलग प्रकार के धमकी देते रही है, काहे कि कोनो फिल्म में उनका के साइन करके और अचानक एक दिन पहले उनका के निकाल दिया गए, ए लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रही। लेकिन अब तो फिल्म सेट पर आ चुकल बड़ी, अब शायद कमाल करें, काहे कि भैया देखा अंजना सिंह के भी का जला अभी पति भी छोड़ दिले बटे भैया, पहले तो यशे कुमार रहन, तो इसलिए अंजना सिंह एगो कमाल के हौसला वाली मेहरारू हुई और बढ़िया वाला काम करी है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री के भी आगे ले जाए हम। तो फाइनली बड़की दीदी फिल्म से शूटिंग स्टार्ट हो, अभी इतना ही अपडेट बा, आगे जो भी अपडेट निकल गए हम लोग इनके बता दें भैया बता दें, बाकी वीडियो में इतना ही, हम जीत सलाम।